एवरीवन, कैसे हो? उस परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। हम सब तो बिल्कुल ठीक है, आशा करते हैं आप भी परिवार से ठीक होंगे। परम पिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा वॉक करूँगी। तो जी, सबको राम राम। मेरी एक हफ्ते तक माँ यहाँ पे मंदिर में विराजमान थी। सामान इतना भरा हुआ था माँ के दरबार में कि खचा खच भरा हुआ था। आज मैंने ढंग से, मतलब पूजा तो होती थी लेकिन ढंग से वो सफाई वगैरह नहीं होती थी क्योंकि सामान इतना काफ़ी सारा भरा हुआ था। आज मैंने सारा मंदिर साफ किया। माँ तो अब भी बैठी है, माँ तो अब भी विराजमान है ये रही। लेकिन एक हफ्ते से तो माँ का सामान ही इतना भरा हुआ था मंदिर में कि बस मंदिर की सफाई नहीं हो पाती थी। थोड़ा थोड़ा बस ऊपर ऊपर से मैं करती थी और फिर, क्योंकि डेली सारा सामान हटाना और सफाई करना ये नहीं हो पाता था। तो आज मैंने अच्छे से सारे ये कपड़े वपड़े धोना वोना, झाड़ना पोछना, मंदिर को साफ करना, सारा मैंने अच्छे से साफ किया है। ये देखिए, स्टोर के ऊपर चटाई लगवाई है।
क्योंकि धूल मिट्टी बहुत जाती थी अंदर, जो सामान रखा रहता था, एक्स्ट्रा सामान जो रखते हैं वो स्टोर में रख देते हैं, और फिर इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा भर जाती थी, फिर बार बार साफ़ करना पड़ता था, हर महीने 10 दिन 15 दिन में साफ़ करना पड़ता था। इस वजह से मैंने ये चटाई लगवा दी है। ये देखिए ऊपर तो जाल लगा हुआ है, चादर भी लगी हुई है, इधर का खाली है, इधर का खाली है, इधर का जाल खाली छुड़ा रखा है, गेहूं वगैरह धोते हैं तो धूप लग जाए, और इधर पे ये चादर लगवा रखी है कि थोड़ी धूल मिट्टी धूप वगैरह ना आए। तो ये मैंने स्टोर के आगे चटाई लगवा दी जिससे कि धूल मिट्टी अंदर ना जाए और अंदर का सामान साफ सुथरा रखा रहे, बार बार सफाई ना करनी पड़े। मशीन तो देखिए रोज ही लगती है क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम। हेलो जी, काम करते सबको सबको राम 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 राम। हेलो राम राम जी, हाथ जोड़ के राम राम करो सबको। देखियो मेरे राधा कृष्ण जी, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए मेरे राधा कृष्ण जी, देखिए वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे, वाओ। कन्या वगैरह जी माँ के फारिग हो गई हूँ मैं, और अब मैं आपको एक सुंदर सा भजन सुनाती हूँ, कृपया सुनिए। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना
एक तो तेरे हाथ ना झुके, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ ना झुके, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा अबंसी का बजना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी का बजना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन है, दिल दीवाना हो। एक तो तेरे पैर ना झुके, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पैर ना झुके, दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू का बजना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू का बजना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन है, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरी भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा। तीसरा खिचड़ी का खाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा खिचड़े का खाना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे संग राधा, दूसरी रुक मन खड़ी। एक तो तेरे संग राधा, दूसरी रुक मन खड़ी। तीसरा मीरा कयाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा कयाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन है, दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, ती दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन है, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत